हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर लेक्चर नंबर 2 रहेगा, दैट इज सफियर चैप्टर हम कर रहे हैं। यदि आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के ऊपर पहले उसको वॉच करके फिर इसको देखना, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 मिनट लगा कर रहा उधर और फिर इसको देखेंगे, फिर समझ लगेगा। तो आज के बहुत ही बेहतरीन हमारे पास आर्टिकल रहेंगे, एक हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी करेंगे और वही हमारी पैरिस में जो हम ऑलवेज यूज करते हैं उसी के साथ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। वी वॉन्ट टू प्रूव दैट हेयर, आपने क्या करना है, वी वॉन्ट टू प्रूव दैट द इक्वेशन हमें दी हुई है, दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट अ सफेयर, हम ये प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सफेयर एंड वी वॉन्ट टू ऑल्सो फाइंड इट सेंटर एंड रेडियस। अरे क्या बात है, अब हम लोगों को तो पता है, वी आर वेरी स्मार्ट, जो जिन्होंने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा उनको पता कि जिस सफेयर को रिप्रेजेंट करती है, हमने पिछले में शो करा था कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ फॉर्म दी हुई थी, हम जब उसको सेंटर ऑफ फॉर्म ऑफ सफेयर है वो तो पता है सफेयर है, हम उसको ओपन जब हमने करा था, ओपन करने के बाद वो ऐसा ही कुछ बना था, तो इसका मीनिंग इट इज डेफिनेटली रिप्रेजेंट अ सफेयर। तो कितना आसान हो गया माई डियर प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, उसके अंदर जब आपने बोला था उसने बोला था कि सेंटर ऑफ फॉर्म है, तो आप उसको हमने उसकी जनरलाइजेशन फॉर्म करी थी, ठीक है, लेकिन अब आपको वो बोला कि यार ठीक है वो क्वेश्चन हो गया, ठीक है उसको साइड में रखो, लेकिन यदि आपको एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ आ जाता है देन हाउ कैन बी श्योर दैट, वो बोला वो तो हमें पता है ठीक है, लेकिन आप प्रूव करो कि ये एक सफेयर है, तो क्या करेंगे यार। तब उस हमने सेंटर फॉर्म से स्टार्ट करके नीचे आए थे, अब हम क्या करेंगे नीचे से ऊपर चलेंगे, सेंटर फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, इतना सा काम है। अब सेंटर फॉर्म की तरफ बढ़ना है तो एक चीज़ एक बार देख लो ध्यान के अंदर, हमारा यहाँ पर टारगेट क्या रहेगा यार, हमारे पास क्या टारगेट रहेगा, एक मिनट देखना, तो जस्ट वेट, यस हमारे पास टारगेट क्या रहेगा, ठीक है हमारे पास टारगेट रहेगा कि जो भी हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस है ना, कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, 2ux है, प्लस 2by है, प्लस 2wz है, प्लस 2 = 0। कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ करना है, ऐसा जुगाड़ लगाना है कि हमने इसको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है या फिर इसको चेंज करना है ऐसी एक इक्वेशन के अंदर जो कि हमें पता हो। अब वो ये बोला कि यार हमें नहीं पता कि ये सफेयर है, वी डोंट नो कि दिस इज सफेयर, लेकिन आप शो करो कि ये सफेयर है। अरे वाह क्या, कौन सा क्वेश्चन, कौन सी हमें याद, इसमें क्या कहते हैं दुविधा में डाल दिया, दुविधा में डाल दिया, इसका मीनिंग वो बोला कि जनरलाइजेशन फॉर्म क्या होती है, वी डोंट नो, आप बताओ कि ये है कि नहीं है, इसका मीनिंग इससे पहले हमें सेंट्रल फॉर्म पता है तो उसी का सहारा लेना पड़ेगा ना। तो आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, मिलकर कर हमने इस गिवन इक्वेशन को x माइनस ए स्क्वेयर और y माइनस बी स्क्वेयर प्लस जेड माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर किसी ना किसी तरह से इस फॉर्म के साथ कंपेयर करने की कोशिश करनी है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो ये तो डेफिनेटली हर एक को पता कि ये सेंट्रल ऑफ फॉर्म ऑफ सफेयर है, तो इसका मीनिंग यदि गिवन को ऐसा लिखा तो वो गिवन वाली भी हमारे पास क्या होगी, सफेयर होगी। इतना सा काम है, कितना ज़्यादा झंझट उठाते हैं। तो अब क्या है, अब देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगा यार, वो चीज़ तो भूलेंगे, अरे वाह इसके अंदर ना कंप्लीटिंग हो उसके टाइप दी हुई है, इसके अंदर कंप्लीटिंग हो उसके टाइप है, तो सारे का सारा क्वेश्चन हमें समझ में लग गया होगा कि यार आपने गिवन इक्वेशन को लिख लेना है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन एज इट शेप, तो इसको नंबर 1 कर दिया। तो सबसे पहले हमने डी को दूसरी तरफ सेंड करा, सबसे पहले हमने क्या करा, डी को दूसरी तरफ सेंड करा है बिकॉज दूसरी तरफ हमें आर की स्क्वायर चाहिए, कांस्टेंट नंबर की स्क्वायर चाहिए। उसके बाद क्या करना है यार, जैसे डी को करेंगे तो जो हमारा लेफ्ट साइड के अंदर है हमें होल स्क्वायर करने है, तो होल स्क्वायर जब आप करोगे तो पहले आप एक्स वालों को पास में लिख दो, वाई वालों को पास में लिख दो और जेड वालों को आपस में लिख दो। तो हमने क्या करना है, पेयर बनाने स्टार्ट कर देने, या जी एक्स स्क्वायर और उसके साथ 2ux को हमने क्या करें ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, जी हमारे पास वाई स्क्वायर था और इधर हमारा 2by था, इसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, सेम जेड स्क्वायर वाले और उसके जेड को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, डी हमारा दूसरी तरफ जा चुका था। अब डियर आप कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हो, हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है और 2ux है, हाउ कैन बी कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। अब इसके अंदर हमारा क्या फंडा रहता है कि जो भी हमारे पास x का कॉफिशियंट हम उसको उठाते हैं, ठीक है, उठा लिया और उसका हमने हाफ कर देना होता है। अब जब हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, खाली जू आ जाएगा, इसका हमने जो आपके पास आंसर आएगा उसी की चीज़ को हम क्या करते हैं, उसको हम स्क्वायर भी कर, उसके स्क्वायर को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, इतना सा फंडा होता है, उसके स्क्वायर को हम ऐड भी करते हैं सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, सो दैट कि टोटल को कोई फर्क ना पड़े। तो हमने क्या ऐड अप करना होता है, क्या नहीं करना होता, जो भी एक्स का कॉफिशियंट होता है उसका हाफ कर लेना होता है, एक्स का कॉफिशियंट 2 जो था उसका हाफ करा तो हमारे पास खाली जू बच रहा है, जो आंसर बच गया उसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना। तो डियर अब हम क्या करेंगे, हमने एडिंग करना जू स्क्वायर, तो सिमिलरली हमें बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा और इधर भी बी स्क्वायर आ जाएगा, और सिमिलरली हमें डब्ल्यू स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अरे डियर जी जो आप ना तीन टर्म्स आपकी लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव में होंगी, तो इन तीनों को हमने दूसरी तरफ राइट साइड लिख देना तो वो प्लस में चली जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये देखो अब हमने यहाँ पर लाइन लिख दी कि यार बी कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर हम करेंगे।
अब डियर जब आप हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करेंगे तो ये अब देखो मैंने जो बोला था आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस टू जू एक्स इसके साथ हमारे यहाँ पर यू स्क्वायर शो हो रहा है। अरे सर ये कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने पहले से आपको बता कर रखा कि हमने यू स्क्वायर क्यों शो करना था और कैसे करना था। अब सर आपने बोला था कि यू स्क्वायर ऐड करना और सबट्रैक्ट करना, अब जो जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला था ना तो वो हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू का साइन पड़ा हो तो जो इधर नेगेटिव आएगा वो हम दूसरी तरफ सेंड कर देंगे, वहाँ पर पॉजिटिव शो होगा। तो देखो जिसे पहले आप यू स्क्वायर के ऊपर फोकस करेंगे तो माइनस टी अकेला था तो उसके साथ मैंने यू स्क्वायर लिखा हुआ है दूसरी तरफ, वो इधर से ही गया हुआ है, या फिर आप ये कह लो कि यार यू स्क्वायर दोनों तरफ का कैंसिल कर दो तो टोटल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर वाली ब्रैकेट के अंदर हमने बी का स्क्वायर लिखा हुआ और बी को दूसरी तरफ भी लिखा हुआ, और जेड स्क्वायर वाली ब्रैकेट के अंदर हमने जेड डब्ल्यू का स्क्वायर लिखा हुआ है और दूसरी तरफ भी लिखा हुआ। ये बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ऑन द सेम लाइन हमारे पास आ गए। सर इतना हो गया फिर क्या होगा, अरे फिर क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो ध्यान से अब हमारे पास कौन सी सिचुएशन बन चुकी है डियर, जैसे हम ये लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर टू यू एक्स प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो डियर ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया, सेंटर में देखो टू इंटू ए इंटू बी पड़ा हुआ, तो बी कैन राइट इट एज एक्स प्लस यू की होल स्क्वायर, बिकॉज जब आप इसको ओपन करते तो हमारा पहले का स्क्वायर आता फिर हमारा टू यू एक्स प्लस बी स्क्वायर आता है। रुको रुको रुको, कोई स्टूडेंट होगा जिसको नहीं समझ में आया होगा उसके लिए एक बार फिर से, हमें सभी को पता कि यार ए प्लस बी का स्क्वायर हम ओपन करते तो हमारे पास ए स्क्वायर आता है प्लस टू ए बी आता है और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये वही है कि हमने ऐसा बना दिया है, यहाँ पर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर और टू के साथ ये दोनों की प्रोडक्ट हो गई। जब भी आपका ऐसा आएगा तो आप उसको डायरेक्ट नंबर को लिख देंगे, कौन से नंबर जो स्क्वायर के अंदर है, जैसे स्क्वायर के अंदर ये है स्क्वायर के अंदर भी वो नंबर लिख दो, और सेंटर वाली टर्म के अंदर यदि प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। तो इस फॉर्मेशन के अंदर हम हमारा काम कर रहे हैं, ठीक है जी, हमको समझ लग गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा, हम हमारे वापस स्लाइड पर चलते हैं। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा यार, कि ये जो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस टू जो एक्स, इसका बन जाएगा एक्स प्लस टू की होल स्क्वायर, सेकंड वाले का बन जाएगा वाई प्लस बी की होल स्क्वायर, नेक्स्ट वाले का बन जाएगा जेड प्लस डब्ल्यू की स्क्वायर। दूसरी तरफ हमारे पास जो प्लस वाले मैंने पहले लिख लिया और माइनस का डी हमने अलग से कर दिया। डियर हमें क्या चाहिए, हमें लेफ्ट के अंदर जो मिल रहा है ठीक है, अब हम जो सेंट्रल फॉर्म की बात करते हैं तो डियर सेंट्रल फॉर्म के अंदर हमारे पास माइनस के साइन होते हैं, एक्स माइनस ए होता है, वाई माइनस बी होता है, जेड माइनस ए होता है, और दूसरी तरफ भी कुछ भी नंबर आपका लिखा हो लेकिन उस नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। अरे वाह, ये न्यू कंडीशन हमारे ऊपर लग रही हैं, ये न्यू कंडीशन हमारे ऊपर लग रही हैं, तो हम भी इन कंडीशन से क्या करना है, हमने भी जूझना है, ठीक है, हम बहुत स्मार्ट हैं। तो हमारे पास यू प्लस का तो हमने इसके अंदर दो माइनस लगा दिए, एक बारह माइनस लगा दिए, एक जू के साथ लगा दिया, सो माइनस माइनस तो हमारा प्लस का यू रहेगा ना, देख लो सुन लो, प्लस का साइन था ना, तो एक हमने क्या करा है जू को डबल माइनस लगा दी, एक छोटी सी ब्रैकेट यूज़ कर ली उसके अंदर लगा दी, एक बाहर लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी फॉर्म के अंदर हमने वाई वाले केस के अंदर जो बी था उसके एक बाहर माइनस लगा दी, एक छोटी सी ब्रैकेट हमने यूज़ कर ली, और जहाँ पर भी सेम होगा, ये तो हो गया स्मार्ट वर्क। अरे सर दूसरी तरफ क्या कर दिया, अरे बेटा दूसरी तरफ हमें स्क्वायर चाहिए था, अब इस नंबर का स्क्वायर कैसे लेकर आते, हमने क्या करा है इस पूरे नंबर का अनडूट कर दिया, और अनडूट भी कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया, बिकॉज वी नो दैट कि जो अनडूट और स्क्वायर होता है दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, तो वो ऊपर वाला ही रहेगा हमारे पास। हमने ऐसी काम करने, हमने ऐसी एक्टिविटी करनी, हमने ऐसी गतिविधियाँ करनी है कि जिनसे आपके आंसर को 0% भी फर्क ना पड़ा हो, ठीक है, ऐसा ना लगे कि यार सर आपने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, लिखा क्या था और ये क्या कर दिया, नहीं नहीं हार के देख लो, ऊपर प्लस जो था तो हमने डबल माइनस यूज़ करा, डबल माइनस का मीनिंग प्लस ही होता है, राइट साइड के ऊपर आपका कोई स्केयर नहीं था तो हमने अनडूट लगा कर स्केयर कर दिया, बिकॉज उसका मीनिंग नो स्केयर ही होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम सारे का सारा स्मार्ट वर्क है, आप लोग भी कर सकते हो। अब जब हम इन सिचुएशन के अंदर पहुंच जाए कि यार एक्स माइनस समथिंग आ रहा होल स्क्वायर है, वाई माइनस समथिंग आ रहा है होल स्क्वायर है, जेड माइनस समथिंग आ रहा होल स्क्वायर, राइट साइड के ऊपर भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर है, नाउ वी आर एबल टू कंपेयर दिस सिचुएशन विद द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द स्फीयर। तो हमने एक लाइन लिखी कि वी आर कंपेयरिंग दिस विद द सेंट्रल फॉर्म ऑफ स्फीयर, तो हमने सेंट्रल फॉर्म लिख दी। अब हमें वो जो ऊपर वाला वो डिटो कॉपी ऐसी ही फॉर्मेशन हमारे पास बन चुकी, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऊपर वाला जो इक्वेशन था जो हमारे पास स्टार्टिंग से था वो भी एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जब करता है, अब हमें पता सेंट्रल फॉर्म के अंदर जो हम ए बी सी लिखते वो हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर होता है, आर बी द रेडियस। तो डियर आप जैसे हम कंपेयर करेंगे तो हम हमारे गिवन स्टैंडर्ड जो भी हमें जनरल फॉर्म दी हुई है उसका हम सेंटर निकाल पाएंगे, और न्यूमेरिकल के अंदर भी ये सारे का सारा डिटो यूज होगा। अब देखा हम ध्यान से डेट, जैसे हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जहाँ पर x माइनस ये तो ऊपर वाले के अंदर भी है, तो a हमारा जहाँ पर a हमारे को मिल रहा है लेकिन ऊपर हमने माइनस u लिखा था, इधर हमें b मिल रहा था लेकिन ऊपर हमने माइनस का v लिखा था, इसका मीनिंग a की वैल्यू माइनस u आ जाएगी, v की वैल्यू माइनस v आ जाएगी, c की वैल्यू माइनस w आ जाएगी, एंड दूसरी तरफ जो r था डियर
जिसको हमने स्केयर, तो आपने बस स्केयर को छोड़ देना, बाकी जितनी भी टर्म हमारे पास बच रही है जिसमें सर्कल करंट, पूरी को उठा लेना, और जिस पूरी को उठाएंगे तो ये एज अ आर ट्रीट होगी, एज अ रेडियस ऑफ द स्फीयर ट्रीट होगी, तो यही तुम्हारे पास काम है कि दिस आर इज द रेडियस। तो हमने लास्ट में एक लाइन लिखनी है बहुत ही अच्छे से प्यार से, कि गिवन जो हमारे पास इक्वेशन वन थी वो रिप्रेजेंट करी एक स्फीयर को जिसका जो सेंटर है, बिकॉज ये सेंटर होता है ए कॉमा एंड बी एंड सी, ए बी सी होता है, लेकिन ए की वैल्यू हमारे केस में माइनस जो है, बी की वैल्यू माइनस भी, और सी की जी हमारे पास है, और जो हमारे पास रेडियस होता है डियर वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि दिस विल बी द रेडियस। सो हमने सेंटर एंड रेडियस निकाल कर गिवन इक्वेशन को बहुत अच्छे से शो कर दिया कि जस्ट बी आर सेइंग, जस्ट बी आर कन्फर्मिंग और बी आर इन्फॉर्मिंग यू दैट कि दिस काइंड ऑफ इक्वेशन ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर। ठीक है, तो हो गया। अब डियर इसके अंदर इतना ही नहीं है, इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स भी, अब वो भी करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, आज हम इसका थ्रेटिकल काम खत्म कर देंगे, बस आप सब्र से बैठे रहिएगा। ठीक है, अब देखो आगे मूव करते हैं। फिर इसके अंदर जब आपको इतना हो गया ना, एक बार फिर से हमने लास्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने एलओ के ऊपर काम करना होता है, लर्निंग जो हमारे लर्निंग आउटकम्स होते हैं। अब देखो ध्यान से, अब डियर इसके अंदर ना ये जो हमारे पास है ऊपर वाला जो आर है ना, बिकॉज ये अनडूड के अंदर टर्म होती, तो ये टर्म जब अनडूड के अंदर आप लिखते तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव होगी तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो अनडूड के अंदर ये चीज़ पॉजिटिव चाहिए हमें, इसका मीनिंग जो रेडियस आ रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव होता तो ये टर्म भी हमारे पास पॉजिटिव चाहिए। अब डियर ऊपर वाले एक्सप्रेशन से आप डायरेक्टली सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हो, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन दिया था मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम सेंटर कैसे निकालते हैं, हमें ये दिया हुआ एक्स स्क्र है वाई, जब आपके पास ऐसा कुछ आ जाए एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, ध्यान से देखना बहुत ही ध्यान से, कुछ ऐसा हमें गिवन दिया होगा डब्ल्यू जेड प्लस डी जी कर, तो हम सेंटर कैसे निकालोगे। अब सेंटर होता है हमारे केस के अंदर, हमने बोला कि यार माइनस यू होता है, माइनस बी होता है और माइनस डब्ल्यू होता है, जी पहले सेंटर निकालो, रेडियस की बाद में बात करते हैं, और रेडियस की यदि बात करनी, रेडियस तो आपका सिंपल है ना, जहाँ पर डी दिया हुआ, लेकिन हमने क्या यूज़ करना, तो हमारे पास यू स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, एंड हमारे पास यहाँ पर बी होता है ना, इधर बी आएगा आपका, बी होता है प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होता है माइनस डी, आपने ऊपर वाले को कंपेयर के जहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो, अब जू की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, अब जू देखो आपके पास क्या आ रहा है, जू हमारे पास आ रहा है एक्स का कॉफिशेंट, लेकिन ये प्रॉपर कॉफिशियंट नहीं, यहाँ पर टू भी आ रहा है तो टू को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो एक तरह से हम ये कह सकते कि यार माइनस आ इंटू हाफ इंटू कॉफिशियंट ऑफ हमारे पास क्या है एक्स है, तो जो हमारे पास एक्चुअल के अंदर क्या है हाफ ऑफ द कॉफिशियंट ऑफ एक्स, जिसको नहीं समझ लगा था वो ध्यान से देखना, जिसको नहीं समझ लगा वो ध्यान देखना, मान लो आपको कोई भी नंबर दिया होगा, ये जो टू जो है ना आपको दिया हो सकता है कि यार हमारे पास टू जो इज इक्वल टू फाइव है, लेकिन हमें तो सिंपल जू चाहिए, तो जू हमारे पास क्या होगा वन बाय टू आ जाएगा इंटू फाइव होगा ना, अब जो वन बाय टू तो मैंने शो कर दिया है आपको, यहाँ पर भी कर दिया है, ठीक है, और फाइव हमारा क्या है जो कि कॉफिशियंट होगा, जो कि हमें गिवन दिया होगा क्वेश्चन के अंदर एक्स का कॉफिशियंट टू है, तो हम यही लिखना है कि आप एक्स के साथ जो भी लग रहा है वो लिख दो, उसको बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ एक्स, बस उसका हाफ करते जाना, हाफ क्यों करते हैं बिकॉज यदि आपको मान लो कि आपको यार एट एक्स दिया होगा, तो आप ये थोड़ी बोलोगे यार एट पूरे का पूरा आपका जू है, हमें पता कि यहाँ पर एक बार फिर से दिखाता हूँ, यदि आपको बोला हुआ कि यार एट एक्स है कुछ ऐसा है ना, तो आप ये थोड़ी कहोगे यार ये पूरे का पूरा जू है, हमें पता है कि ये एक्चुअल के अंदर टू जू होता है, एक्स के साथ टू जू इज इक्वल टू एट होगा, तो वहाँ से जू की वैल्यू कितनी आएगी हाफ इंटू एट, तो आपको हाफ करना पड़ेगा इन नंबर्स का, तो जहाँ से आपके पास एक रिजल्ट बन जाता है माई डियर स्टूडेंट कि हमारे पास हम डायरेक्ट यदि हम निकालना चाहते हैं, हम गिवन इक्वेशन के माध्यम से डायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हम सेंटर, तो आपने क्या करना फॉर्मूला उसका, उसका जो फॉर्मूला आपने ये लगाओगे कि यार सेंटर निकालना है, तो आप माइनस हाफ इंटू कॉफिशेंट जो भी हमारे पास एक्स का क्या वो लिख देंगे, माइनस हाफ इंटू कॉफिशेंट ऑफ आप वी लिखोगे, माइनस हाफ इंटू कॉफिशेंट ऑफ आप डब्ल्यू लिखेंगे, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा, और डी जब आप जू को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अभी आपका जू एक्चुअल में क्या है कॉफिशेंट हाफ इंटू कॉफिशेंट, तो जू की वैल्यू मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यार जू को आपने लिखना होता है माइनस हाफ इंटू कॉफिशेंट ऑफ एक्स उसकी स्क्वायर प्लस बी को फिर से वैसे लिखना माइनस हाफ इंटू कॉफिशियंट ऑफ, ऐसे लिखते लिखते आपका पूरे का पूरा आंसर आ जाएगा। तो एक चीज़ जी हमने यहाँ पर ध्यान रखी, जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया तो उनके लिए यार हम बैठे हैं ना, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर समझानी है आपको, यार कैसे सर आप बोल क्या रहे हो, किस किस के डाउट है वो बोलो, मान लो यार आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ, आपको बाई स्क्वायर दिया, आपको जेड स्क्वायर आ गया, और आपको बोला यार फाइव एक्स है, आपको बोला सिक्स एक्स है, आपको बोला यार सेवन एट एक्स है, और यार एक्स थोड़ी आएगा, इधर हमें वाई आ जाएगा, ठीक है, इधर हमारे पास जेड होगा, और कुछ उन्होंने बोले यार माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो समथिंग ऐसा कुछ बोल, ठीक है इतना बोल गया। तो डियर हमने क्या करना है, हमने एक चीज़ करनी होती है,
हमने इसको कंपेयर करने की कोशिश करनी है जी एक्स स्क्वायर आगे ना, तो इसका मीनिंग हम यहाँ पर इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स में। देखो आपको थोड़ा इजी बनाता हूँ, आप टू वी वाई कर लेना, टू वी डब्ल्यू जेड कर लेना और प्लस डी इजी कर दो। तो जैसे आप कंपेयर करो तो आप देखोगे यार हमारे पास जो टू यू था ना उसकी जगह हमें फाइव वी हुआ, जहाँ पर टू भी होता वहाँ पर हमारे पास सिक्स है, जहाँ पर वाई का ऑप्शन टू भी और इधर वाई का ऑप्शन सिक्स भी होगा और इधर जेड का ऑप्शन हमारे पास टू डब्ल्यू ऊपर हमारे पास एट है। तो ठीक है जहाँ से यू की वैल्यू आ जाएगी फाइव ओवर टू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी सिक्स ओवर टू एंड डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी एट ओवर टू एंड ये जहाँ पर हमारे पास डी होता वो हमारे पास माइनस फाइव दिया हुआ। आप इतना आ गया यू भी आ गई। तो डियर हमारे पास हमें पता है कि सेंटर क्या होता है, माइनस का यू होता है माइनस बी होता है माइनस डब्ल्यू होता है। इसका मीनिंग सेंटर क्या होता है माइनस फाइव ओवर टू आ जाएगा कॉमा माइनस सिक्स ओवर टू, या इसकी कटिंग वटिंग कर लो यार थ्री आ जाएगा एंड ये भी कट कर लो फोर आ जाएगा। तो माइनस का थ्री आ जाएगा एंड माइनस का फोर आ जाएगा। और जो आपने यहाँ पर रेडियस निकालना होता वो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, इसके अंदर केस के अंदर रेडियस हमारे पास अंडरूट होता है यू का स्क्वायर वैल्यू पता, बी का स्क्वायर वैल्यू पता, सभी की हमें वैल्यू पता है। तो यहाँ पर माइनस का डी कर देंगे, आपने यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर को ऐड करना है और माइनस डी करना है। देखो कितना बोलते हैं आपके सर, अरे सर मेरे को पता लगता है यार क्या ज़िंदगी हमारी, बस हम कैमरा ऑन कर रहे हैं बैठ के बुक उठा ली और चल बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। एक एक, एक लेक्चर को हम जो 20-20 मिनट के लिए बोलते हैं और बच्चा बहुत स्मार्ट है आता है देख ला ये क्वेश्चन जो तो मेरे को आता है छोड़ो वीडियो चलो आगे चलते हैं। अरे जब आपने देख लिया कि यार कोई नोटिफिकेशन आई है जहाँ तक आ गए आपके सर ने इतनी मेहनत करी होगी तो देख लो ईयरफोन लगा लो यार 1.25 की पूरा फास्ट करके देख लो, इतने इतना तो कर लो ठीक है। आपसे आस तो बहुत होती है लेकिन आप इतना ही कर लो बहुत है हमारे लिए ठीक है थैंक यू। तो क्या समझ में आया जिसके अंदर भी डाउट था यार मैं बोल क्या रहता था उसको समझ में आ गई क्या होता है एक्चुअल के अंदर, सेंटर कैसे निकालना होता है रेडियस कैसे निकालना होता है माइनस हाफ इंटू का ऑप्शन करना। देखो मैं माइनस हाफ इंटू यहाँ पर हम माइनस नहीं लिख रहे, यदि आप जहाँ पर माइनस कर देंगे दोनों तरफ तो फिर वही बात आ जाएगी माइनस भी इधर भी माइनस कर दो और इधर भी माइनस कर दो वही फंडा रहेगा कि माइनस हाफ इंटू कॉफिशेंट ऑफ एक्स। अब देखो ध्यान से इधर मैं बोल रहा हूँ कि यार माइनस हाफ करना है तो ये माइनस हाफ नीचे हो गया फाइव के हमारे पास कॉफिशेंट ऑफ एक्स दिया हुआ जो हमें क्वेश्चन के अंदर है कॉफिशेंट ऑफ एक्स वहाँ से आ जाएगा हो गया इतना। तो ये सारे के सारे हमने केस कर लिए, अब आगे मूव करते हैं यार इस लेक्चर के अंदर आगे हमारे पास क्या कुछ कंडीशन फॉर स्फीयर होती है। आपको एक बहुत सुंदर सी इक्वेशन दी हुई है, क्या वो इक्वेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी ये क्वेश्चन भी आपको साथ में पूछ लिया गया। बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन दी होगी और आपको पूछ लिया कि यार बताओ बच्चा कि ये स्फीयर हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरे जैसे बच्चों के तो हाथ खड़े कर देंगे। सॉरी सर हमने वो लेक्चर नहीं लगाया था जिसके दिन आप समझा रहे थे कि स्फीयर हुआ कि नहीं होगा, हमें ये नहीं पता, लेकिन अब हमने कमल सर की क्लास लगा ली और आप लोगों को बताया तो अब हमें पता होगा कि यार ये स्फीयर कैसा होता है। आपको कोई भी इक्वेशन दे दी होगी तो हमने दो तीन चीज़ों को पॉइंट आउट करना है, बस हमने ये देखना है कि यार हमारे पास इक्वेशन क्या है सेकंड डिग्री की है, तो जो भी आपको इक्वेशन दी होगी वो सेकंड डिग्री की होनी चाहिए, उसके अंदर एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब उसके एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र के अंदर से कोई भी हो, मतलब वाई स्क्र समटाइम जीरो कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन हमारे पास वो सेकंड डिग्री के अंदर होनी चाहिए, क्यूबिक में नहीं होनी चाहिए और लीनियर भी नहीं होनी चाहिए, लीनियर होगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी ठीक है। तो सेकंड डिग्री होनी चाहिए, ये पहला हमारा धर्म है चेक करना। और दूसरा धर्म क्या आता है कि यार आपने जितनी भी जनरल इक्वेशन देखी आइदर आपने देखा होगा यार स्टैंडर्ड फॉर्म देखी सेंटर फॉर्म देखी जनरल फॉर्म देखी, हर एक के अंदर हमने एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या था वन था, वाई स्क्वायर का ऑप्शन क्या था वन था, जेड स्क्वायर का ऑप्शन क्या था वन। अब हमने ये अंदाजा लगा लिया कि जब जब हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कॉफिशियंट वन होगा तभी वो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी स्फीयर होगी। तो ये टोटली रॉन्ग है, ये टोटली रॉन्ग है, हमारे पास एक्स स्क्वायर का ऑप्शन वाई स्क्वायर का ऑप्शन जेड स्क्वायर का ऑप्शन तीनों के तीनों सेम होने चाहिए, वो वन वहाँ पर थे कोई बात नहीं, हमारे पास तीनों का ऑप्शन ऐसा ना हो कि यार एक्स स्क्वायर का ऑप्शन टू आपको मिल रहा है और वाई स्क्वायर का ऑप्शन थ्री बोल दिया हो और जेड स्क्वायर का ऑप्शन फाइव और वो उसके साथ कुछ और उन्हें फॉर्मेलिटीज कर दी और वो आपको बोल रहा है बच्चा जी सफेयर है क्या जी सफेयर है, और हम लोग थोड़ा सा फ्लो में आ जाते हैं टीचर के एक्सप्रेशन के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीचर बड़े पॉजिटिव आस्पेक्ट से पूछ रहे हैं, टीचर की आवाज़ के अंदर ऐसा लगता है पॉजिटिविटी जल रही है, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि जो टीचर बोल रहा है वो सच है। तो मैं बोल दूंगा कि हाँ सर आपने जो बोला है कि 2x square plus 5y square plus z 6z square और साथ में जो भी आप लगा दो 5x तो वो सर सफेयर है, और सर बोलेंगे खड़े हो जो बच्चा ये सिखाया था, तब वो चीज़ें देखो इमेजिन करके हंसी आएगी। नहीं हमारे पास कॉफिशेंट तीनों के सेम होने चाहिए, होंगे कुछ भी तीनों का टू टू हो सकता है तीनों का फाइव फाइव हो सकता है तीनों का वन वन हो सकता है ठीक है, तीनों के कॉफिशियंट सेम होने चाहिए तभी वो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर सकता है, तभी वो एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर सकता है जी हो गया।
एंड तीसरी टर्म क्या कि आपने अभी तक जितनी भी टर्म देखी आपने देखा कि क्या हमारे पास कहीं भी कोई ऐसी टर्म्स दिखाई दी कि हमारे पास ये जो यार मतलब इस फॉर्मेशन की यदि हम बात करें कि देयर शुड बी नो टर्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट्स, मतलब हमारे पास वाई और जेड, जेड और एक्स या फिर एक्स और वाई, ऐसी कोई भी एक सिंगल टर्म भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, बिकॉज होगी ही नहीं। हमने कितने करे अभी तक किसी के अंदर नहीं थी। इसका मतलब यदि आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ दिया होगा गड़बड़, तो वो सफेद तो नहीं होगा, वो कुछ और हो सकता है, इतना हमने कर लिया। अब लास्ट इसके अंदर एक नोट और दिया हुआ बच्चा, वो भी देख लो और फिर हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। अब एक और नोट क्या दिया हुआ है कि यार इक्वेशन जो हमारे पास है, ऐसी जो इक्वेशन होती है ना, ये कब किस किस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जी जो पूरी की पूरी इक्वेशन का जो फंडा था वो सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड करता था, बाकी तो सब सेफ था, बिकॉज आर वाली जो टर्म हम निकालते थे वो अनटूड के अंदर निकालते थे कि अनटूड के अंदर यू स्क्वायर आ रहा प्लस वी स्क्वायर आ रहा प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। अब अनटूड के अंदर पॉजिटिव होगा तो ठीक है ना, नेगेटिव आएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, नॉट डिफाइंड अभी इसके लिए। तो इसने बोला कि हमारी जो जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेंगी स्फीयर को कब, हमारे पास जब जो जो आर आना अनटूड वाला, अनटूड को छोड़ रहे हैं जो उसके अंदर लग रहा है, इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो, यदि ये पॉजिटिव रहेगा तो कोई ना कोई रेडियस रहेगा तो हमारा स्फीयर रहेगा, यदि आपका ये नेगेटिव आ गया ना, इसका आंसर नेगेटिव आपका बन रहा है तो भूल जाओ कि ये तो हमारा एम्प्टी सेट है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेगेटिव हमारे पास आ गया तो जो स्फीयर, तो आप बोल दो जो स्फीयर नहीं हो सकता, जी एक हमारा एम्प्टी सेट होगा, ऐसे पॉइंट हमारे पास नहीं होंगे, ठीक। और उसके बाद यदि आपका ये आंसर जीरो आ जाए, सर रेडियस जीरो हो जाएगा, रेडियस क्या होता है, हमारा एक फिक्स पॉइंट होता है ना सेंटर, और दूसरा हम पी पॉइंट ऑन द बाउंड्री लेते हैं और उसकी डिस्टेंस रेडियस होती है। अब रेडियस जीरो का मीनिंग क्या आ रहा है, जो वो पी पॉइंट है वो सेंटर पर आ चुका है, मीन एक्चुअल के अंदर आपका वो स्फीयर है ही नहीं, वो एक स्पेशल स्फीयर है जिसको हम पॉइंट स्फीयर बोल सकते हैं। एक ही पॉइंट होगा ना, जब आपकी दो पॉइंट की डिस्टेंस जीरो हो जाती है तो वो दो पॉइंट नहीं कहलाते, वो एक ही पॉइंट कहलाता है, और एक पॉइंट को हम पॉइंट बोलते हैं, और उस स्पेशल स्फीयर को हम पॉइंट स्फीयर का नाम दे सकते हैं। कब होता है वो, और उसको हम डीजनरेट स्फीयर भी बोलते हैं, आइदर डीजनरेट स्फीयर बोल सकते हैं और आइदर पॉइंट स्फीयर, कब, जब ये हमारे पास जू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का आंसर कितना होता है, हमारे पास जीरो होता है। जब ये आंसर जीरो होगा तो हम ऐसी हालातों के अंदर ऐसा आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब यार हमने देखो इसके अंदर न्यूमेरिकल के लिए, मैं हमने आपके आपसे प्रॉमिस करा था कि यार न्यूमेरिकल आर्टिकल भी होंगे और एक न्यूमेरिकल, तो जो न्यूमेरिकल आपके लिए है रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको समझ लो ध्यान से, इस न्यूमेरिकल के अंदर वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि यार आपने प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास दी हुई इक्वेशन एक स्फीयर की है, और प्रूव करने के बाद आप इसका सेंटर और रेडियस निकालो। तो चलो जल्दी जल्दी से कॉपी पेन उठा लो, आपके सर बहुत अच्छे हैं, खुद से करवा देंगे आपको, ठीक है। अब जो दिया हुआ है ना, अब देखो जहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो एक्स स्क्वेयर है प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का कॉफिशियंट है। अब इसके अंदर ना एक नोट दिया होगा था, मैंने वो आपको भूल गया बताना कि यार जब भी आप एक रूल टू फाइंड द सेंटर होता है एंड रूल टू फाइंड द आपके पास स्फीयर है, स्फीयर का रूल क्या होता है कि जब आप इक्वेशन फाइंड आउट करोगे कि जितने भी आपके एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर का कॉफिशियंट आ रहा है, यदि वो सेम आ रहा है मतलब उसकी वैल्यू अदर देन वन है, तो आप उसको वन बना लो, मीन डिवाइड कर दो उस नंबर के साथ, वो आपका इजी रहता। और वो इजी क्यों रहता, बिकॉज जब आपको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करनी होती है तो तब हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट वन होगा, तो हमें कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में अंदर इजी रहे इजी इज मिलता है, हमें आसानी होती है, तो वो चीज़ समझ लो। तो यार इसके अंदर मैं रफ आइडिया देता हूँ कि सबसे पहले हमें यार ये दिख गया, अरे वाह सर एक्स स्क्वायर के साथ ये आ गया, इसके साथ भी ये, इसके भी साथ ही है, तो तीनों के साथ ये आ गया, मीन तीनों सेम है कॉफिशियंट। नंबर टू, हमारे पास सिंगल एक्स वाली टर्म है, सिंगल वाई सिंगल जेड की टर्म, और जहाँ पर हमारे पास डी दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग ये हमारा स्फीयर को रिप्रेजेंट कर जाएगा, तो बिकॉज स्फीयर की कंडीशन हमने यहाँ पर सेटिस्फाई करवा रखी है, ठीक है, वो चीज़ हमने यहाँ पर ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप ए से डिवाइड कर दो पूरी पूरी इक्वेशन को, तो जहाँ से ए कट जाएगा जहाँ से भी ये कट जाएगा, जहाँ से भी ये कट गया, लेकिन यार इधर तो ए है ही नहीं था, तो यहाँ पर ए आपका आ जाएगा, इधर भी हमारे पास 2b के नीचे a आ जाएगा y, और इधर भी हमारे पास 2w के नीचे a आ जाएगा z प्लस d के नीचे a आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका ये तो लिख दिया, ऐसी फॉर्मेशन आ चुकी है। अब जी स्फीयर कब होगी, जब हमारे पास वो कंडीशन रहेगी क्या, कौन सी, कि हमारा d यार ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम लगा देंगे कि इफ दिस रेडियस 0 ग्रेटर देन 0 का, तो जिस स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता, इसके सेंट्रल फॉर्म के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर वाला लिख लिया, फिर हमने जे टू जू ओवर ए एक्स लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक्स वाले एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए, वाई स्क्वायर प्लस टू वी ओवर ए हमारा वाई एक ब्रैकेट के अंदर आ गया, जेड स्क्वायर प्लस टू डब्ल्यू ओवर ए जेड हमारा एक ब्रैकेट, और इसको हमने दूसरी तरफ सेंड कर दिया। अब मैंने कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का आपको एक पार्ट सिखाया था, उस पार्ट के अंदर हमारे पास क्या था लेसन के अंदर, कि यार जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है ना उसको हाफ कर लो,
नहीं पता चला, तुम एक बार फिर से शो कर देते हैं कि जो भी हमारे पास, जैसे अभी हमारा 2u/a * x चल रहा है, हमने जो x का कॉफिशेंट आ रहा है जो कि 2u/a इसका हाफ कर लेना होता है। जैसे ही हाफ करेंगे जो हमारे पास u/a आ जाएगा, तो इसके स्केयर को दोनों तरफ ऐड करना, किसका, u/a का स्केयर को दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास 2u/a/x, तो इसी के अंदर हमने u/a के स्क्वायर को ऐड करना है। सेम लाइन के अंदर वाई स्क्वायर है प्लस 2b/a y है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, b/a के स्क्वायर को एडअप करना होता है। इसी फॉर्मेशन के अंदर हमारा थर्ड वाला रहता है यार, जेड स्क्वायर है प्लस 2w/a/z है, तो इसके अंदर भी हमने क्या करना होता है यार, w/a के स्क्वायर को ऐड करना होता है। ये हो गया लेफ्ट साइड, और दूसरी तरफ भी हमारा -t/a था, तो यार यहाँ पर भी हमने लिखना होता है u/a की स्क्वायर प्लस b/a की स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर आपको शो कर देता हूँ, जेड, ये हमारे पास हो जाएगा w/d की होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है। अब ये हमारे पास कंप्लीटिंग होल स्क्वायर आ जाएगा, तो x+u/a की स्क्वायर हमारे पास बन गया, y-b/a की स्क्वायर बन गया, z-w/a की स्क्वायर बन गया। दूसरी तरफ हमारे पास यदि लिखोगे तो आपका यार वो ए स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, इधर ए स्क्वायर का एलसीएम लेंगे ना, इसके नीचे ए नहीं है ना, इसको आप DA/A स्क्वायर लिख सकते हो क्या, एक ए ऊपर लगा दी एक नीचे इंक्रीज कर दी तो जो सही रहेगा। और प्लस हमारे पास u/u² a² है प्लस b² / a² है प्लस w² / a² हमारे पास है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो यार इधर हमारे पास प्लस प्लस थे, ठीक है जी, हमारे पास सॉरी मिस्टेक हो गई, तो इसको आप पहले की तरह ही लिखेंगे, पहले जैसे हमने पहले लिखा था कि यार एक्स हो गया, फिर माइनस कर दिया इसको, फिर से हमने धोखा देना कि यार ये हो रहा, फिर प्लस वाई के अंदर माइनस b/a अंदर भी माइनस लगाना है और ऊपर होल स्क्वायर है, फिर जेड के अंदर बाहर माइनस है, इन साइड भी माइनस लगाना और इसका होल स्क्वायर है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बन रहा है उसको हमने अंडरूट के अंदर लिख लेना। अब नीचे सभी के नीचे ए स्क्वायर ही आ रही है, तो ए स्क्वायर आ जाएगी, प्लस वाले पहले लिख देते हैं, u² b² प्लस w² - t² अब अंडरूट लिख रहे हैं तो डियर ऊपर पावर भी तो करनी पड़ेगी 2 हमें, तो ये हो गया। अब इसको यदि आप कंपेयर करोगे किसी के साथ भी, यार हम कह सकते हैं कि यार x-a की फॉर्मेशन है, y-b है और z-c है, और इधर हमारे पास अंडू के अंदर की टर्म बन रही है, ठीक है। तो जैसे आप इसको कंपेयर करोगे सेंट्रल फॉर्म के साथ, तो आफ्टर कंपेयरिंग तो आपने एक लाइन लिखनी है कि ऑन कंपेयरिंग इट विद द सेंट्रल फॉर्म ऑफ स्फीयर बी फाइंड दैट इट रिप्रेजेंट ए स्फीयर। हमने ये फाइंड करा कि ये यार हमारे पास रिप्रेजेंट स्फीयर को करेगी विद इट्स सेंटर इज, अब सेंटर इसका आ रहा है माना -u/a आ रहा है, -b/a है, -w/a ये हमारा सेंटर है, एंड रेडियस आपको पता है यार, रेडियस हमारे पास क्या आएगा, अब इसको मैं बार बार नहीं लिखता, रेडियस हमारे पास ये अंदर से आ जाएगा, ठीक है अंदर से हमारे पास रेडियस, तो लिख देते हैं, तो रेडियस हमारे पास आएगा रूट है, ऊपर u² है, b² है, w² है, और माइनस हमारे पास क्या, d के साथ a लगी, नीचे वाले इसके ने अपना अंडर खत्म कर दिया, तो सिंपल a हमारे पास आ जाएगी। तो राजे डियर दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन फॉर्मेशन। तो हमने इसका सेंटर भी निकाल दिया, और जहाँ पर आप एक लाइन तो आप स्टार्टिंग के अंदर ही लिख सकते हैं कि यार हमारे पास कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ऑफ वाई स्क्वायर हमारे पास सेम है, ठीक है, ये तीनों की ऑप्शन सेम है, तो जो हमारे पास स्फीयर को ही रिप्रेजेंट करता है जब हमारे पास कोई भी और प्रोडक्ट टर्म में नहीं आ रही, ठीक है। तो डियर आज के इस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी कुछ करा, टाइमिंग भी काफ़ी हो गया, आप देख सकते हो एक बड़े सारा हमने आर्टिकल करा था स्टार्टिंग में, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर इसकी हमने एक छोटी सी देखो नीचे आते हुए हमने इसका नोट करा, फिर हमने इसकी कंडीशन ऑफ स्फीयर देखी, ठीक है, उसके बाद हमने फिर से एक नोट करा, उसके बाद हमने फिर से एक मैंने आपको साइड पर ले जाकर एक न्यूमेरिकल दिखाया था कि कैसे आप कर सकते हो। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो अब लास्ट में हमने तो वही हमारी एक मोटिवेशनल स्पीच देनी होती है, ठीक है, और ये मेरी साइन है, जब आप मिलोगे तो ऑटोग्राफ लेना, उसके अंदर कोई आपको मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है, विदाउट एनी चार्जेस आप ले सकोगे। तो यार आज का लेक्चर कैसा लगा, आप एक छोटा सा काम करना होता है, आपने कहीं पे डिक्शनरी से कोई दो चार वर्ड आप अच्छे से ढूंढ सकते हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर आके बता सकते हैं कि आज का लेक्चर कैसा लगा, क्या इट इज़ वैल्यूएबल, क्या आपका जितना भी डाटा लगा मोबाइल का क्या वो वैल्यूएबल हुआ, ठीक है, क्या उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो चीज़ें आप जहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, एक दो चार अच्छे से वर्ड, गुड से गुड साउंड आप अच्छे से ऐसे कमेंट डाल सकते हो जो दूसरों को मोटिवेट करें, यार इसके ऊपर कितना अच्छा कमेंट आया हुआ है, ऐसा ही होता है डियर, ऐसा ही होता है, ठीक है, बस आप लोग सच्चे हो,
माना कि अच्छे हो तो आप लोग कमेंट करोगे और वीडियो को लाइक भी करोगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना। ऊपर आपको यार आई बटन के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, हमारे न्यू चैनल का एक लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइफ कॉर्ड्स है हमारे चैनल का नाम, उसके ऊपर भी बहुत एक्सपेक्टेशन है। अब इस चैनल के ऊपर तो पता ही आपको कि कितनी हमारे पास स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं इसके अंदर हम इसको एक्सपोज करते, तो बस आप किसी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यार नमे चैनल को आप सब्सक्राइब करके छोड़ो, और उसके ऊपर जितने वीडियोज़ आए जब आपका मन उदास होगा तो वो एक बार सुन लेना, एक बहुत ही स्वीट सी आवाज़ वहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस एंड दैट चैनल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।